फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में। अपने हरियाणवी संस्कृति में गायक की विधाएं अलग अलग रही हैं, जैसे सांग, रांझा, अल्ला और हरियाणवी लोकगीत और फिर गड़वा बंजू आ गया। इन सभी विधाओं के चलते एक ऐसा शख्स मुझे मिला जिसने नई विधा शुरू की है और वो नेचुरल है, उसके अंदर क्वालिटी है। मुझे ऐसा नज़र आया कि हरियाणवी संस्कृति को एक नई चीज़ नई विधा के रूप में मिलने जा रही है। उसकी एक रागनी रामायण के किस्से की मैं आपको सुनाता हूँ, देखना। हरियाणवी भजनों एवं रागनियों की अपनी इस चलती हुई श्रृंखला में आज आपके समक्ष रामायण के संदर्भ में रची गई इकलौती ऐसी रागनी जो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बनाई प्रस्तुत कर रहे हैं। बात उस समय की है कि जब सूर्यवंशी महाराज दशरथ एक दिन दर्पण में जब अपना चेहरा देख रहे थे तो सर पर कुछ पके हुए बाल देखकर अत्यंत व्यथित होकर उसी समय गुरुवर वशिष्ठ जी से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का फैसला करते हैं। शुभ मुहूर्त के बारे में जब पूछते हैं माता कैकेयी अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और क्या समझाती हैं मंथरा दासी को, क्या बताया आइए देखते हैं। हे कुटिल को चलना बधारे नर लंगड़ा लूला कणा सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा कुटिल को चलना बधार नरे लंगड़ा लूला कणा सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा। और पहली कली में क्या समझाती है माता कैकेयी, क्या बताया। ये खोटी बात कहनिया मानस सब ते खोटा हो से छोटी बात कहनिया मानस बड़े ते छोटा हो से जानू सू पर कह ना सकती यो दर्द भी मोटा हो से एक बाप के सो बेटे हो सबका मेहर मलहोटा हो से एक बाप के सो बेटे हो सबका मेहर मलहोटा हो से या कदे तरीत देवा करे कुल की राज करे बड़ा सियाणा सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा कुटिल को चलना ए बधार नरे लंगड़ा लूला काना सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा। और दूसरी कली में भगवान रामचंद्र जी की महिमा गाती हैं, क्या कहती हैं माता कैकेयी। श्री रामचंद्र की कृपा ते मेरा हो गया मोक्ष में डेरा जना ईश्वर अनुकूल होए ते यो लगे जन्म का फेरा और जन्म भी होते सूर्य कुल में शिरपट रानी का शेरा और सीता के सी बहु मिले सुत राम चंद्र सा मेरा सीता के सी बहु मिले सुत राम चंद्र सा मेरा देखे जिस घर में इससे बहु बेटे हो उड़े मोक्ष का ठीक ठिकाना
सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा कुटिल को चलना ए बदार नरे लंगड़ा लूला काना सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा। और तीसरी कली में भगवान श्री रामचंद्र जी का मातृ प्रेम अपने प्रति माता कैकेयी कैसे दर्शाती हैं, क्या कहती हैं? श्री रामचंद्र मन मात समझ के आछी कार्य करे से रामचंद्र के सुख में दुख हो तू कोड़ त्योहार करे से कई बते इस कौशल्या ते भी बढ़ कह प्यार कर से हम मामोशी से तीनों के माँ यू एक व्यवहार कर से मामोशी से तीनों के माँ यू एक व्यवहार कर से ये कौशल्या कह कई सुमित रहा सबकी आज्ञा पाना सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा कुटिल को चलना ए बधार नरे लंगड़ा लूला काना सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा। और तोड़ में चौथी कली में मंथरा दासी को जब वो नहीं मानती कैसे धमकाती हैं, क्या कहती हैं माता कैकेयी? और जय ज्यादा तकरार करी तन मार मारे हन दूंगी कौशल्या जय प्राण तजे तो मैं अपना मन दूंगी श्री रामचंद्र के ऊपर वार के मैं जान सुधा तन दूंगी श्री रामचंद्र के तिलक की सुन के तन मुंह मांग्या धन दूंगी रामचंद्र के तिलक की सुन के तन मुंह मांग्या धन दूंगी राम के भगत खुश हो सुने लक्ष्मी चंद का गाना सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा कुटिल को चलना ए बधार नरे लंगड़ा लूला कणा सब ते खोटी तेरी आज इसमें तेरा दासी का बाणा। रतन कोश में अनेकों बार पढ़ते पढ़ते ये भजन मेरे सामने आया, लेकिन हर बार इसकी टेक पढ़ के साइड में कर दिया गया। कभी ये अंदाजा था ही नहीं कि ये रामायण से संबंधित है किसी भी प्रकार से। मैं अति धन्यवादी हूँ भाई पंकज कुमार शर्मा जी का और बड़े भाई श्री सुरेश कुमार जी का रियल बाबा वॉइस चैनल से, जिन्होंने इतना अच्छा ज्ञान अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाया। ये वीडियो मैं उन्हीं को क्रेडिट करता हूँ। आशा है ये प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल और आपको आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। जुड़ने के लिए आप सबका एक बार फिर से आभार। राम राम, सत श्री अकाल।